नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी के आरजीबी फ़ैन जो कि ड्यूल रिंग में है। तीन फ़ैन का ये सेट आता है, इसकी हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे। ये इस तरह का है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें एक कंट्रोलर दिया गया है, इसी के साथ इसके अंदर एक रिमोट भी है। रिमोट के नीचे हम देख सकते हैं कि इसमें सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर दिया गया है। जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो रिमोट हमारा वर्क करने लगेगा। तो अगर आप इसको नए में यूज कर रहे हैं तो कृपया ध्यान रखें कि इसको निकालना ना भूलें, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं होगा तो आपका रिमोट वर्क नहीं करेगा। तो इसको बाहर निकाल लें, उसके बाद आप अपना रिमोट यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें मिली है इसके अंदर वो है इसका कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है, यहाँ पे आपकी टू साइड टेप दी गई है, इसे आप कहीं भी स्टिक कर सकते हैं इसके ज़रिए। इसके साथ साथ हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको 6 पोर्ट फैन कनेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसी के साथ साथ आप इसमें 2 RGB स्ट्रिप भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए इसमें एक मोलेक्स मेल फीमेल कनेक्टर दिया गया है जो कि इसे पावर देगा। इसके बाद इसमें तीसरी चीज़ जो दी गई है वो है एक यूजर मैनुअल। आप इसे देख सकते हैं, दूसरी साइड इंग्लिश में दिया गया है। इसमें इसके सारे रिमोट के फंक्शंस के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन सा फीचर किस काम आता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल 366 कलर के मोड हैं जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऑटो प्ले यूज करते हैं तो आपके 366 मोड्स 1x1 ऑटोमेटिक प्ले होंगे। इसके बाद आप ये स्पीड के बटन दिए गए हैं, प्लस एंड माइनस। इसमें आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं आपके मोड्स की। ये आपके मोड चेंज करने के लिए है, एम
और ये आपका है ब्राइटनेस के लिए। अगर आप एलईडी ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ बटन प्रेस करेंगे तो आपके एलईडी ऑफ हो जाएंगी। ये आपके पर्टिकुलर कलर दिए गए हैं जिससे कि आप अपने पसंद का कलर डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन इसके अंदर दी गई है, आप देख सकते हैं, जब आप इसको बाय करेंगे आपको मिलेगा ये। और आगे बढ़ते हैं, आगे इसके अंदर हमें तीन फैन दिए गए हैं, 1 2, ये आपका 3। इसी के साथ अगर हम बॉक्स के अंदर देखें तो आपको 3 पैकेट स्क्रू के दिए गए हैं, हर एक फैन के लिए 4 स्क्रू, तो टोटल 12 स्क्रू हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि इस फैन को ड्यूल रिंग क्यों कहते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं इसके दोनों साइड रिंग बनी हुई है जिसमें कि आपकी एलईडी प्ले होती है। इसमें एक सिंगल रिंग का भी आता है, उसमें सिर्फ एक साइड होती है, पीछे की साइड ये रिंग नहीं होती है, इसीलिए इसको ड्यूल रिंग कहते हैं। अब हम बात करें फ़ैन की क्वालिटी की, फ़ैन की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इसके चारों कोनों पे एंटी वाइब्रेशन रबड़ दिए गए हैं दोनों साइड, जिससे कि आपके कैबिनेट में किसी तरह की वाइब्रेशन नहीं आएगी। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, जैसा कि बॉक्स पे भी लिखा हुआ है, इसकी स्पीड है टोटल 1200 RPM। इसका साइज है 120 mm by 120 mm by 25 mm, मीन्स ये 12 cm का आपका फ़ैन है। एयर नॉइज़ जो है 22 dB है, एयर वॉल्यूम जो है 38 CFM है। अब हम इसकी बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, हम बात करेंगे कि इसको आप अपनी कैबिनेट में किस तरीके से फिट करें कि आपका ये सही काम करेगा। सबसे पहले हम रिमोट कंट्रोलर लेंगे इसका। कंट्रोलर में आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे एक दो तीन फ़ैन के सॉकेट दिए गए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपने फ़ैनों को 1 2 3 में लगाएं, जिससे कि इसकी एलईडी डायरेक्ट ही प्ले हो जाएंगी, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको ये 1 में प्ले करेंगे, ये आपका चला गया। फिर हम इसको सेकंड फ़ैन को सेकंड में डालेंगे। आप ये ध्यान रखिए, ये जो आपका सॉकेट दिया गया है ये ऊपर की साइड लगेगा जहाँ पर गैप है इसमें। ये आपका तीसरा, अब मैं इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। और ये मैंने पावर सप्लाई चालू कर ली, जैसा आप देख सकते हैं ये लगाते ही चालू हो गया है। अब हम रिमोट की बात करें तो रिमोट से मैंने इसका कवर हटा दिया है, जिससे कि इसका ये पावर सेल काम नहीं करता। वो हटाने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं कि रिमोट आपका वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एलईडी ऑफ़ करता हूँ, ये एलईडी ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर वो लगा होता तो रिमोट कैसे वर्क नहीं करता। ये हम इसको इसमें वापस लगा देते हैं, ये देखिए अब ये इसमें लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ये ऑफ़ नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर सेल से कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद अब आप देख सकते हैं ये फिर से काम करने लगा, ये ऑन। अब हम इसको ऑटो पे डाल देते हैं। हम बात करते हैं इसकी ब्राइटनेस की। अगर आपको लगे कभी भी कि इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, आपकी आँखों में चुभ रही है, तो आप इस बटन के थ्रू अपनी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक अपने हिसाब से इसको कम, लो या हाई कर सकते हैं। जितना आप लो या हाई चाहें अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके टोटल अगर हम बात करें तो ब्राइटनेस के 32 लेवल्स हैं,
मेन 32 टाइप आप इसको ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर कलर्स की बात करें तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 कलर आपके डायरेक्ट दिए गए हैं। बाकी आप ऑटो पे इसको डाल देंगे तो इसके 366 कलर कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक वर्क करेंगे।